गरीब और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की इंदिरा रसोई योजना की प्रदेश की भजनलाल सरकार समीक्षा करेगी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शहरी इलाकों के लिए 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी। इसके बाद साल 2023-24 के बजट घोषणा में इस योजना को ग्रामीण इलाकों में भी लागू करने की घोषणा की गई। आपको सबसे पहले योजना के बारे में बताते हैं। दरअसल इस योजना के तहत प्रदेश के शहरों में 980 रसोइयों का संचालन जबकि ग्रामीण इलाकों में 1000 रसोई का संचालन किया जा रहा है। इन रसोइयों में मात्र 8 रुपए में गरीब जरूरतमंद को भोजन करवाया जाता है। रसोई संचालक को प्रति थाली कुल 25 रुपए का मिलता है भुगतान। इनमें से 8 रुपए लाभार्थी से और 17 रुपए का सरकार अनुदान देती है। शहरी इलाकों में योजना का सालाना बजट करीब 250 करोड़ है तो ग्रामीण इलाकों में योजना का सालाना बजट करीब 200 करोड़ रुपए। पिछले कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण इलाकों में इस योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पहले स्वायत्त शासन विभाग को दी गई थी, लेकिन बाद में पंचायती राज विभाग के विरोध के चलते ये जिम्मेदारी उसे दे दी गई। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार इस इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग से योजना को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी थी। ऐसे में विभाग ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ योजना के संबंध में रिपोर्ट भिजवा दी। जानकारों के अनुसार प्रदेश की बीजेपी सरकार की मंशा योजना में सुधार की है। किस तरह इस योजना में और सुधार किया जा सकता है, किस तरह योजना को गरीब और जरूरतमंद के लिए और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है और किस तरह योजना का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर बीजेपी सरकार योजना की समीक्षा करेगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।